Assalamualaikum students, how are you? It's time for your English class. Open your English book, page number 43. Today we will do the comparison. We read the opposites big and small. You know what is big and what is small? When we want to compare two things, we add ER. And when we want to compare all the things, we add EST. EST big के साथ लगाएंगे या small के साथ लगाएंगे अगर हमने बहुत सारी चीज़ों को compare करना है, और अगर हमने सिर्फ two चीज़ों को compare करना है तो हम क्या लगाएंगे? ER. अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और हमने बताना है कि उन सारी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा big या सबसे ज़्यादा small कौन सा है, तो हम लगाएंगे EST. लेकिन अगर हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना है और हमने बताना है कि इन दो में से बिग कौन सी है, तो हम लगाएंगे ER. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज. आपके सामने यहाँ पे रस्सी पे कुछ कपड़े हैं, सॉक्स, वेस्ट, स्कर्ट एंड ड्रेस. आपके सामने ये जो चीज़ें हैं इनके डिफरेंट साइजेज हैं. सबसे छोटी क्या है? सॉक्स. उसके बाद वेस्ट, उसके बाद स्कर्ट, और सबसे ज़्यादा बड़ी क्या है? ड्रेस. वेरी गुड. नाउ हम इसको सेंटेंस में लिखते हैं. द स्कर्ट इज़ डैश देन द स्कर्ट. अब शर्ट जो है वो स्कर्ट से क्या है, बिग है या स्मॉल है? यहाँ पे हम दो चीज़ों को, शर्ट और स्कर्ट को कंपेयर कर दें. तो जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? ER. सबसे पहले हम बताएंगे कि वो क्या है, बिग है या स्मॉल है, और फिर हम देखेंगे कि अगर दो चीज़ें हैं तो हम ER लगा देंगे. शर्ट बिग है तो हमने लिखा बिग, और साथ में हमने लगा दिया ER, क्योंकि वो दो चीज़ें हैं. सिमिलरली B वाले को देखें, द सॉक्स इज़ डैश देन द स्कर्ट. सबसे पहले तो आप ये बताएं कि स्कर्ट से सॉक्स बिग है या स्मॉल? स्मॉल. और हम टू चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें? टू. तो हम स्मॉल के साथ क्या लगाएंगे? ER. वेरी गुड. नाउ सी वाला करते हैं, द ड्रेस इज़ डैश देन द स्कर्ट. अब हम ड्रेस और स्कर्ट को मैच कर रहे हैं. अब मुझे बताएं कि ड्रेस और स्कर्ट में जो ड्रेस है वो स्कर्ट से बिग है या स्मॉल? बिग. वेरी गुड. और यहाँ पे हम कितनी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं? दो चीज़ों को. तो हम क्या लगाएंगे? ER. वेरी गुड. नाउ द लास्ट वन, द वेस्ट इज डैश देन द स्कर्ट. वेस्ट जो है वो स्कर्ट से बिग है या स्मॉल? स्मॉल. वेरी गुड. और हम यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? ER. तो ये क्या बन जाएगा? स्मॉलर. वेरी गुड, एक्सेलेंट. अब आपको समझ आया, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? ER. एक्सेलेंट. नाउ लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चंस विद शॉर्ट आंसर्स. अब हमने यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिखना है. व्हाट इज़ द बिगेस्ट? बिगेस्ट का मतलब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं? ये आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ इन सब में क्या है. तो क्या है इन सब में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़? आपके सामने देखिए, इन्होंने लिखा बिगेस्ट, EST, बिगेस्ट. बिगेस्ट का मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी क्या है. दैट मीन्स हम मोर देन वन की बात कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा बड़ी क्या है? स्कर्ट. वेरी गुड. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? द स्कर्ट. एक्सेलेंट. नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट? अगेन हम यहाँ पे EST लगाया, तो इसका मतलब हम सब चीज़ों में से पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा क्या है. तो क्या है सबसे छोटा? सॉक्स. वेरी गुड. तो हम क्या लिखेंगे? द सॉक्स. वेरी गुड. नाउ C1, व्हाट इज़ स्मॉलर देन द स्कर्ट? अब यहाँ पे लगा है ER. ER का मतलब क्या हुआ? टू चीज़ें. और कौन सी टू चीज़ें? उन्होंने कहा है स्कर्ट से छोटी कौन सी चीज़ है.
तो स्कर्ट से एक नंबर छोटी, क्या है शर्ट से एक नंबर छोटी? वेस्ट, वेरी गुड। तो शर्ट से एक नंबर छोटी जो है वेस्ट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेस्ट, वेरी गुड। लास्ट वन, व्हाट इज बिगर देन द स्कर्ट? देखें स्कर्ट से बिग क्या है? ड्रेस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड्रेस, वेरी गुड। ड्रेस इज बिगर देन द स्कर्ट। अब आपको समझ आया ई आर और ई एस टी का क्या यूज़ होता है? जब हम टू चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम ई आर लगाते हैं, और जब हम बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन बहुत सारी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा बिग या सबसे ज़्यादा स्मॉल कौन सी है, तो हम लगाते हैं ई एस टी। वेरी गुड, इज दिस क्लियर? एक्सीलेंट। सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।